लाला बाबा खिचड़ी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित परम पूज्य संत शिरोमणि श्री लाला बापा ने 82 मीटर पुण्यतिथि निमित्त महोत्सव। श्री लाला बापा खिचड़ी सेवा संस्था खिचड़ी मंडल मोची ज्ञाति के दाताओं के सहकार से आयोजन किया गया, जिसमें सुबह लाला बापा मंदिर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और दोपहर के बाद लाला बापा की शोभा यात्रा और शाम को सभी मोची के ज्ञाति के सभी भाइयों तथा बहनों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। इसके अलावा खिचड़ी सेवा संस्था द्वारा रामदेव तीर्थ पाठ, माता जी का नवरंग मानव, श्रीमद भागवत सप्ताह एवं विद्यार्थियों को नोटबुक का वितरण और आर्थिक असहाय लोगों को अनाज का किट वितरण। इनके अलावा हर मंगलवार को चंद्र मौलेश पर भगवान का मंदिर पर खिचड़ी वितरण का आयोजन किया जाता है। आयोजक रमणीश भाई, विवेक भाई, हर्षद भाई का क्या कहना है, देखिए हमारी रिपोर्ट। बापा की जय। आज रोज हमारे संत जय श्री लाला बापा की 82 में निर्वाण तिथि है, जो गोंडल धाम में हो गए हैं, तो आज उसका 82 में निर्वाण तिथि है, तो उसका पालकी यात्रा थी, शोभा यात्रा लाला बापा मंदिर मकरानी पाड़ा से होके काठियावाड़ चौक से होते हुए नवजीवन स्कूल से होते हुए वापस पालकी बापा के मंदिर पे पहुंची है। उसके बाद आज बापा की प्रसादी है, जो 7 से लेकर रात के 10 बजे तक श्री स्वामीनारायण मंदिर, दत्त मंदिर और मलाड ईस्ट में रखी गई है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब लोग उसमें आए और प्रसाद का लाभ लें और आपका सहयोग और हमें सहयोग करें। बोलो लाला बापा की जय। बहुत बढ़िया। हमारे संत श्री लाला बापा जो हर साल की तरह कोरोना के बाद 4 साल के बाद फिर से
उसी तरीके से बड़ी उत्साह से ये त्यौहार हम मनाते हैं हमारे बापा के लिए जो हमारे संत हो चुके हैं, जो गोंडल निवासी है, और आगे ऐसे ही कार्य करते रहे और समाज हमारे को पूरा सपोर्ट करते रहे। बस यही सब समाज सेवकों से प्रार्थना है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े भव्य उत्साह से ये कार्यक्रम पूर्ण हो और आते साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो, ऐसी शुभेच्छा रखते हुए जय लाला बापा। थैंक यू। लाला बापा प्रसादी खिचड़ी सेवा संस्था की ओर से श्री लाला बापा की जो तिथि आती है निर्वाण तिथि 82 की निर्वाण तिथि में जो आज का ये प्रोग्राम है 12/4/2023 का, वो बहुत धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। और उसमें मलाड़मोची समाज जो है मलाड़मोची समाज मकरणीपणा में जो लाला बापा का मंदिर है वहाँ से भी आज शोभा यात्रा निकली बहुत धूमधाम से, बहुत हमारे समाज के बहुत बड़े लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और मैं तो सोचता हूँ हर साल इससे भी बढ़िया प्रोग्राम हुए और सब मिलजुल के साथ रह के प्रोग्राम करे तो एक अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी है। और अगले जो हमारा प्रोग्राम आएगा इसके बाद है का उसमें क्या है कि अगर समाज और हम सब मिलके बच्चे लोग को नोटबुक का जो वितरण करते हर साल दाता के सहयोग से, तो भी अगली बार हम ये भी समझो मार्च अप्रैल या मई में करेंगे तो वो भी हमारा अगला प्रोग्राम है। और मेरी कहने की बात वही भी है मेरे समाज को भी कि जो ये साल जो सब मिलके कर रहे हर साल ऐसे ही बस इससे भी बढ़िया प्रोग्राम होना चाहिए। जय लाला बापा। आज तारीख 12/4/2023 हमारे समाज के संत महान श्री लाला बापा का आज निर्वाण तिथि है और मलाड़ के अंदर मोचिक नाती पूरा समाज हमको साथ देके ये कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहा है। लगभग आज समझो 30-35 साल से हम लोग ये कार्य हर टाइम करते हैं। दोपहर को शोभा यात्रा होती है, शाम को महाप्रसाद का आयोजन होता है। कम से कम यहाँ पे पूरा मलाड़ के अंदर हमारा 2500 से 3000 लोगों का शाम को खाना होता है और सब लोग हमको पूरी तरह साथ देते हैं। और हर मंगलवार को हम लोग धनजीवाड़ी शंकर मंदिर से खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं। कम से कम 50 किलो चावल बनाते हैं, 50 किलो सब्जी रहता है, यानी 700 से 800 लोग एक जन को भरपेट खाना मिलता है। उतना 700 से 800 जन को हम लोग खाना देते हैं हर मंगलवार को और समाज हमको पूरा सहयोग देता है। और हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और समाज से हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हर साल हमको यही प्रोत्साहन दो, हम आगे बढ़े। और बुजुर्ग लोग का योगदान बहुत सारा है और सब यंग ग्रुप युवा ग्रुप जो हमारे मलाड़ के अंदर है वो भी पूरा हम लोग को सहयोग देते हैं और हर साल इसी तरह हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये हमारे समाज के सब हर मंगलवार को हम लोग को पूरा सहयोग देते हैं। हम लोग 4 बजे खिचड़ी का आयोजन करते हैं, शाम को 6 बजे खिचड़ी का बंटवारा होता है और 6 बजे के बाद 2 घंटा 6 से 8 तक हम लोग 600 से 700 पैकेट खिचड़ी का वितरण करते हैं। हम लोग एक ही कार्य करते हैं यंग लोग आज हम आगे बढ़े तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। और समाज के अंदर हम लोग एक ही जागरूकता लाना चाहते हैं कि भाई आज अच्छा काम करो, अच्छा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा काम करने में पूरा यंग जनरेशन हमारे साथ में है। कितने सालों से ये हम लोग 2013 से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, आज तक एक भी दिन बंद नहीं रखा है। हम लोग ने कम से कम 6 से 7 कार्यक्रम किए हैं। 2 से 3 माता जी का मांडवा किया है, एक रामापीर का बार पूरा पाठ किया है और एक 7 दिन का गुरुद्वारे में भागवत सप्ताह किया है। लॉकडाउन में हम लोग ने 2 बार राशन का किट वितरण किया था और नोटबुक भी हम लोग फ्री देते हैं पूरे समाज को।